औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? मैं हूँ नाहिद यूसुफ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू। उसके लिए मैंने 5 अंडे बॉयल किए हैं और 4 आलू ले लिए हैं, उन्हें बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद काट लिया है। ये मैंने तेल के हस्ब ज़रूरत तेल लिया है। इसमें मैंने 2 लौंगे डाली हैं, 4 काली मिर्चें डाली हैं और ये प्याज ले रही हूँ मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये गरम मसाला है, कुटा हुआ धनिया है, ये लाल पिसी हुई मिर्च है और हल्दी पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है और हस्ब ज़रूरत नमक है। हम इसे तेल पर रखते हैं, इस तेल को चूल्हे पर रखते हैं और इसमें पहले अंडे फ्राई करेंगे, उसके बाद मसाला भुनेंगे। मैंने प्याज काट के ली है, आप पीस के भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अमूमन खाने में प्याज पीस के इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं इसमें भी पीस के इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मैंने चूल्हे पे रख दिया इसे और इसमें मैं अंडे फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। इसे आप चलाएंगे हल्की हल्की, जब ये बोल जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ करने के बाद। देखें जनाब, ये अंडे जो हैं गोल्डन होते हैं, इन्हें आपने निकाल लेना है बारी बारी। और इसमें आपने प्याज डाल देनी है। ये हल्का सॉटी करेंगे तो बाकी मसाला इसमें डाल देंगे, मैं फिर आपको दिखा दूँगी। ये देखिए जनाब, प्याज थोड़ी सी हो गई है तो इसमें हम पानी डाल देंगे, बाकी मसाला डालेंगे। नमक डाल दिया है, मिर्च हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, आधा गरम मसाला डाल दिया। इसे हम भून लेंगे। देखिए जनाब, मैंने इसमें मसाले में पानी डाल के इसे भूनने के लिए रख दिया है। जैसे ये भूनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारा कोई भी काम अच्छा लगा करे तो हमें कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, हमें सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है जो आप इजहार करते हैं इस चीज़ का कि आपकी आपको हमारी बनाई हुई कोई चीज़ अच्छी लगी है। आलू मैंने छोटे, ये आलू मैंने 4 अदद छोटे लिए थे, बड़े नहीं लिए थे, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आप ज़्यादा फैमिली हैं तो ज़्यादा बना लीजिएगा, थोड़े हैं तो थोड़े बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें। मैंने अंडे आलू आपको उबलते रेसिपी में दिखाया कि हर बंदे को, हर इंसान को पता है कि अंडे आलू अंडों को कैसे उबाला जाता है, कितने टाइम पे उबाला जाता है, फिर भी इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो अंडे आलू आप उबालेंगे तो रखेंगे उबलने के लिए, अंडा तो 4-5 मिनट में उबल जाता है, आलू के साथ डाल के रखेंगे तो आप उसे 1/2 घंटे में आलू भी उबाल हो जाते हैं। मैं ढक रही हूँ, गैस भुनने का मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जनाब, ये मसाला भुन गया, मैं इसमें आलू छोड़ने लगी हूँ। अगर बाद लोग कच्चे आलू भी डालते हैं आलू अंडों में, तो अगर कच्चे आलू हैं फिर तो आप इसे खुला पानी डालकर जैसे खाने में डलता है उन्हें बॉयल के साथ इतना पानी डालिएगा कि ये हो जाए, लेकिन मैं पानी का इस्तेमाल थोड़ा करूँगी। उसकी वजह यह है कि मैंने अंडे आलू उबाले हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने ज़बरदस्त लुक है इनकी, ज़बरदस्त टेस्ट होगा इनका माशाल्लाह से। मैं दिखाती हूँ आपको, फिर पानी डालती हूँ इसमें, अंडे डालूँगी, ये भून जाए थोड़ा सा 1-2 मिनट, इसके अंदर डाल के मैं ये देख रहे हैं आप, मैं अंडे भी डाल दूँगी इसमें, फिर पानी छोड़ूँगी।
ये देखिए हम मैंने इसमें अंडे भी डाल दिए हैं और आलू भी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें शोरबा छोड़ने लगी हूँ। ये दो अंडे मैंने बचा लिए हैं खूबसूरती के लिए कि मैं इसमें कट करके डालूँगी। बाकी मैंने तीन अंडे साबुत डाल दिए हैं। मैं इसमें पानी छोड़ दूँगी, पानी में ज़्यादा नहीं डालूँगी। वैसे मुझे शोरबा थोड़ा पतला पसंद है, लेकिन उसे आप हल्की आँच पर एक उबाल देने के बाद हल्की आँच पर रख दीजिएगा। मैं इतना इसमें शोरबा रखूँगी अपने खाने के लिए। आप इससे ज़्यादा भुना हुआ रख सकते हैं इसे, ये आपकी अपनी मर्जी पर। मैं इसमें आधा गिलास पानी और डालूँगी और इसे 5 से 10 मिनट पकाऊँगी, उसके बाद उतारूँगी। ये ना मैंने शोरबा डाल के 10 मिनट पकने के लिए रख दिया है। पहला इसे उबाल मैं तेज़ आँच पर दूँगी, बाकी मैं इसे हल्की आँच पर पकाऊँगी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसका शोरबा इसे भुना हुआ रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप इसे इसी तरह शोरबे के साथ रखना चाहें तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं मिलते हैं 10 मिनट बाद। लेकिन जनाब ये मज़ेदार किस्म के अंडे वाले तैयार हैं। ये मैंने कट करके रखे हैं दो अंडे कुछ खूबसूरती के लिए। मैं इसमें ये डाल दूँगी। देखिए आप चूल्हा हम कर देते हैं बंद, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा ऐसे वो नहीं करूँगी, पतला नहीं करूँगी। मुझे तो शोरबा इसी अंदाज में पसंद है। आप चाहें तो इसे भून सकते हैं, भुने हुए उसमें रख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं अंडे ऊपर आ गए हैं तो खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए जनाब मज़ेदार किस्म के अंडे आलू तैयार हैं। ये मैंने बचाया था थोड़ा सा गर्म मसाला, इसके ऊपर से गर्म मसाला डाल देंगे। आप ये देख रहे हैं बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं, देखने में भी दिलकश हैं और ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार होंगे। हमें दुआ में याद रखा करें। शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें ये तमाम काम करने की तौफीक अता फरमाई और हमें इतना अक्ल और शऊर अता फरमाया जिससे हम ये काम कर सकते हैं। हम जितना शुक्र अदा करें खुदा का कम है। हमें दुआ में याद रखा कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।